हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टैक्सेशन फील्ड से हट के थोड़ा सा बात करेंगे। आजकल हमारे यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के इस दौरान में अगर हम कैश लेकर के चलते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उससे संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर द्वारा कुछ टीमें गठित की गई हैं जो जांच कर रही हैं, जिसमें एक है वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेकंड है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, थर्ड है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिफ्थ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सिक्स्थ है लोकल पुलिस। यानी ये सब टीमें इलेक्शन कमिश्नर द्वारा गठित की गई हैं जो जांच कर रही हैं। ये हमारे यहाँ स्टैटिक टीम्स और पुलिस की टीमें जो सक्रिय हैं वो जगह जगह जांच करती हैं, जिसमें वो देखती हैं कि आप नगद रुपया लेकर के जा रहे हैं या ज्वेलरी लेकर के जा रहे हैं या कोई और अन्य सामग्री लेकर के जा रहे हैं, तो उनकी जाँच करती हैं। यानी इनका उद्देश्य ये होता है कि कहीं इलेक्शन में इनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी चीज लेकर के चल रहे हैं तो उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जरूर रखें। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम कितना कैश लेकर के चल सकते हैं और उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जांच होती है, ये जांच के दौरान वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं और आप अपनी सहायता के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें उनको स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि कोई भी टीम किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है किसी कारणवश, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, यानी फॉर द 2019 इंडियन जनरल इलेक्शन द कोड केम इनटू फोर्स ऑन 10th मार्च 2019 व्हेन द कमीशन अनाउंस द डेट एंड रिमेन इन फोर्स टिल द एंड ऑफ द इलेक्ट्रल प्रोसेस। यानी 10 मार्च को जब ये अनाउंस हुआ है, उसके बाद से जब तक ये इलेक्शन प्रोसेस में रहेगा तब तक ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। यानी हमें तब तक इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर हमें व्यापारिक सौदों का कोई पेमेंट करना है तो हम चेक के माध्यम से करें, ऑनलाइन करें, NEFT के माध्यम से करें, RTGS के माध्यम से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हमें पेमेंट करना है और हम कैश लेकर के चल रहे हैं तो उसके लिए एक लिमिट निर्धारित की गई है 50,000 रुपीज की। यानी 50,000 रुपए से ज्यादा कैश लेकर के हमें नहीं चलना है। अगर हम 50,000 से ज्यादा लेकर के चल रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। जैसे अगर हमने ATM से विड्रॉल किया है तो हमारे पास ATM की रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर हमने बैंक से विड्रॉल किया है तो हमें अपनी पासबुक अपडेट करा के रखनी चाहिए। अगर हम कहीं पेमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने अपनी कैशबुक से पेमेंट निकाला है तो हमारी एंट्री कैशबुक में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बता दूं कि कैश के अलावा अगर आप कोई ज्वेलरी या कोई मूल्यवान वस्तु या अन्य कोई भी वस्तु आप लेकर के जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी कारण से आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर शिकायत करें या आप अपने यहाँ के इलेक्शन ऑफिसर से भी शिकायत कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यानी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करें।
वो ग्रे कलर का हो जाएगा, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करें तो हमारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उन्हें भी इससे संबंधित जानकारी मिल सके। धन्यवाद।